चलिए पहले तो बना दीजिए दोनों से। चलिए ठीक है। देखिए ये अनुहार और अगर सेम है तो घातों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। जब आधार हमारा सेम होगा तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि पांच और ये पांच क्या हो जाएगा, दस। पांच पांच दस, यानी तीन के घात में क्या हो जाएगा, दस। समझ रहे हैं? देखिए अब ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि तीन के घात में माइनस पांच को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल हमारा क्या हो जाए, तीन के घात में पांच। माना तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या एक से, यानी कि एक से अगर गुणा करते हैं तो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, x। तो तीन के घात में माइनस पांच, फिर उसको क्या करेंगे, उससे गुणा करेंगे। ठीक है, है ना, x से गुणा कर देंगे। तो जब ये हमारा होगा तो साइड चेंज होगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा इस साइड जाएगा, और ये है किसके रूप में, गुणे के रूप में है। तो जब साइड चेंज होता है तो उसका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी जो x बराबर क्या होगा, तीन के घात में पांच बटे तीन के घात में माइनस पांच। अब हम बोले हैं कि किसी भी चीज की अगर घात हमारा क्या है, नकारात्मक है, तो उसको हमें क्या करना होगा, धनात्मक करना होगा। धनात्मक करने के लिए हम बोले थे कि क्या करना होगा, हर को आप अंश में बदल दीजिए और अंश को हर में बदल दीजिए। तो तीन के घात में माइनस पांच है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीन के घात में माइनस पांच एक बटे तीन के घात में पांच हो जाएगा, है ना। तो एक बटे तीन के घात में पांच। अब क्या करेंगे, अब ये जो एक बटे तीन के घात में पांच है तो वो इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। यानी तीन के घात में पांच बटे तीन के घात में पांच बटे एक। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तीन के घात में दस। और एक हो कैसे गया है, आपको मम्मी बताया है कि ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन प्लस एन। इसी से हुआ है ना, किससे हुआ है, इस फॉर्मूले से हुआ है, ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन प्लस एन। इसी फॉर्मूले से ये हम किए हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, हम घात को बोले हैं कि
प्लस करेंगे। यहाँ पे हम प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं देखिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और क्या है अभी हम आपको बताए थे, ये हो जाएगा आपका माइनस 16 के पावर माइनस 4 माइनस माइनस 1। किससे हुआ ये? a टू द पावर b डिवाइडेड बाय a टू द पावर c इक्वल टू a टू द पावर b माइनस c। किससे हुआ? इससे हुआ है। यानी कि देखिए हमारा दोनों का क्या है, सेम है, ये भी माइनस 16 है और ये भी माइनस 16 है, पावर में हमारा माइनस 4 है और इसके पावर में माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिवाइड के रूप में है, हमें फार्मूला पता है a टू द पावर b डिवाइडेड बाय a टू द पावर c इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर b माइनस c। तो क्या करेंगे, माइनस 16, a हमारा क्या है, अरे b हमारा क्या है पावर का, माइनस 4, फिर माइनस लगाएंगे, c क्या दिया है, माइनस 1। तो क्या करेंगे, माइनस 1। अब देखिए अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 16 माइनस 4 माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस क्या, 1। क्या हो जाएगा, 1।
ये जो 9 है उसको अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो 3 के हाथ में 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का अगर 2 बार देखें, 3 गुणे 3 क्या होगा, 3 त्रिके 9, यानी कि 9 को हम 3 के घात में 2 लिख सकते हैं। और पूरे के घात में आपको क्या दिखाना होगा, -2। क्यों? क्योंकि वो -2 दिया हुआ है ना। क्यों? क्योंकि वो -2 दिया हुआ है। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 3। ये आपको पता है, हम आपको बताए हैं कि a के घात में m, होल घात में अगर n है तो क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n, यानी कि 3 2 गुणे -2 यही होगा, गुणे हमारा x हो जाएगा 3 के घात में 2, है ना। क्या हो जाएगा, 3 के घात में 2 होगा और गुणे में क्या दिखाएंगे, -2 गुणे x इस कल टू क्या जाएगा, 3 के घात में 2। अब देखिए हो गया, यानी 3 के घात में 2 गुणे -2 तो क्या हो जाएगा, 2 दुना 4 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 के घात में कितना हो जाएगा, -4 गुणे एक्स इक्वल टू 3 के घात में 2। ये होगा 3 के घात में -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दुना 4 प्लस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस होगा। तो 3 के घात में -4 गुणे एक्स 3 के घात में स्क्वायर, यानी कि 3 के घात में 2, है ना। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 के घात में 2 होगा, 3 के घात में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा क्या है, आगे इस बगल में, यानी कि ये हमारा रहेगा, आपको भाग देना है ना, कि क्या करना था, गुणा करना था, क्या करना था, भाग देना था, है ना। हमको क्या करना है, भाग देना है ना, क्या करना है, भाग देना है, मतलब कि सॉरी देखिए हम इसमें समझ रहे थे गुणा करना है, दिया गया भाग, इस संख्या से भाग दिया जाए, मतलब कि क्या, भाग का निशान लगाना होगा, भाग लगाए हैं, है ना। अब यहाँ पे भी भाग लगाए, यानी कि अब ये x जो हमारा है अब वो क्या होगा, 3 बार 2 ये भाग के रूप में है, तो जब साइड चेंज होगा पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, गुणे के रूप में हो जाएगा, 3 के पावर में क्या हो जाएगा, -4। समझ में आया, 3 के घात में क्या होगा, -4। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाग करना है ना, तो x का क्या होगा, तो x का हमारा हो जाएगा 3। और हम आपको बताए हैं अगर आधार बराबर होगा तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर आधार बराबर होगा तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 के घात में क्या हो जाएगा, 2 धन 3 पर माइनस